आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की फीचर्स और इसमें सॉरी वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे और हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली मेरे पास मुझे 365 फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक, 365 का डेटा डाउनलोड करना है। सर ये रिकॉर्डिंग शायद अभी नहीं हो रहा है, अभी स्टिल शोइंग, परमिशन नहीं है। ओके हो गया, यस। तो हम जो है डेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम यहाँ डेटा डाउनलोड करने वाले हैं। या तो डेटा डाउनलोड करने के लिए 365 दिन तक के पूरे वन साल 1-2019 का डेटा मुझे डाउनलोड करना है, इसलिए हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा 2019। फिर उस फोल्डर के अंदर में मुझे 12 फाइल करना है, 1 to 12, 12 महीने की 12 फाइल। ओके, 12 महीने की फाइल में सीट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग द डे, नंबर ऑफ डेज इन मंथ। जैसे कि फर्स्ट महीना है जनवरी है तो 31, सेकेंड है करेक्ट तो 28, 28 29 जो भी हो, दो में से हो सकता है लीप ईयर होगा तो भी चेक करना है ना, 3 करेक्ट, तो 31। इस तरह से डाउनलोड करना, हर सीट का नाम हमें उसके नंबरिंग से करना है, 1 2 इस तरह से। ओके तो समझ में आ गया। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और उसमें हम सब्जेक्ट देते हैं, ये सीट के नाम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 फाइलें बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए हम लिखेंगे कि वर्क बुक्स हमें फोल्डर अगर बनना है तो ठीक है, तो फोल्डर हम बना लेंगे, ठीक है ना। और फोल्डर बनाने का कोड तो पता ही आपको, बताया था ना, मेक या MKDIR, यस। तो मैं फोल्डर बनाने वाला कोड यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ। तो मुझे यहाँ एफ ड्राइव के अंदर में 2019 का फोल्डर ऑलरेडी बना है, इसी में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 2019 और यहाँ पे 1.xls और इसी तरह से हम इस पे 12 बार कोड करेंगे। देखिए दिक्कत ये है कि अब ये तो डायनेमिक हुआ नहीं क्या? हाँ ये तो फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ सीट को क्या करेंगे? तो इसमें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं लूप की, लूप मीनिंग से समझ में आ रहा है कि बार बार रन करना। तो यहां पे फोर में फोर आई इक्वल टू हमने बोला 1 2, क्योंकि हमें पता है कि 12 फाइल रन करनी है। तो ए क्या करेगा, इस कोड को 12 बार रन करेगा, समझ गए? ओके, इस लाइन को 12 बार रन करेगा। बट 12 बार रन करने से फायदा क्या हुआ, हर बार तो ये वन ही सीट बनाएगा ना, करेक्ट। तो मैंने यहां पे f इक्वल टू f प्लस 1 कर दिया। तो फिलहाल f 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैं इसको यहां पे कंबाइन कर देता हूं f, समझा? अभी वर्क कर रहा है, हम आपको बताते हैं। इसके लिए मुझे डिवर्क करना पड़ेगा, डिवर्क फिर इसका शॉर्टकट होता है, राइट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपका एफ एम्प्टी है, ब्लैंक है, ब्लैंक प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 हो गया, एफ इक्वल टू 1 आ गया। ओके, क्लियर है? तो ये पूरा कंसाइनमेंट क्लियर होगा। तो 1.xls x की फाइल बनाएगी,
अब जो फाइल क्रिएट होगा उसको क्लोज करना पड़ेगा, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज कर देता हूं और इक्वल टू ट्रू फिलहाल के लिए। क्लियर ओके है? आज हमारे साथ नवी हुसैन जी एज ए डेमो क्लास में ज्वाइन किया है। नवी हुसैन जी, मेरी आवाज ओके आ रही है? जी 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 सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक अनिल सॉरी गुड के इवनिंग साथ है, उनकी बैच है। सॉरी गुड तो यहां पे देखिए क्या है कि f इक्वल टू f प्लस 1 है, तो f की मान 1 है, f का वैल्यू 1 है, तो इसने 1 नाम का किया, एक फाइल को क्रिएट करेगा। सर, ये फर्स्ट क्लास है ये सर। नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं है, ये आई थिंक चौथी क्लास है, तीसरी या चौथी क्लास है। अच्छा तो यहां पे हम एफएफ पे क्लिक करेंगे तो यहां देखेंगे फाइल को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट आई देखेगा, क्योंकि आई को 12 बार चलना है ना, जी तो स्टेट इन्फॉर्म करेंगे। तो यहां पे देखिए अब क्या हो गया, एफ इक्वल टू एफ प्लस 1, 2 हो गया। क्या बोल रहे हैं अनिल यादव जी, या समझ में आया? ओके या बेसिकली क्या हुआ कि ये लूप चलेगा, तो लूप में ए लूप को जो है काउंट कौन रख रहा है, आई रख रहा है, तो आई को चलना है 1 से 12, ठीक है? और ये चला कि नहीं चला इसका चेकिंग करता है नेक्स्ट, समझ गए? और कितना ओके चला है इसकी काउंटिंग रखता है आई। तो जो काम यहाँ एफ इक्वल टू एफ प्लस 1 करता है वही काम यहां पे होता है, कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो आई भी आपका 2 होगा, है ना? मतलब ये दूसरा बार चल रहा है, ओके okay. तो जितना बार चलेगा आई अपने पास एक काउंट रख लेगा और नेक्स्ट को देगा, नेक्स्ट चेक करेगा कि भाई एक काउंट 12 से ऊपर है कि नहीं है, से ऊपर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो मतलब कि मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, हम इसी काम को आई से कर सकते हैं, ठीक है? तो एक क्या करेगा, आपकी 12 फाइलों को क्रिएट कर देगा, किसमें, आपके इस लोकेशंस पे, और हर किसी का एक 1 2 3 4 5 रखेगा, दिख रहा है? तो या वर्कबुक को ऐड करके सेव करने का कोड ये था, लेकिन एक बार में एक ही फाइल को क्रिएट करता, हमने इसको लूप के अंदर में डाल दिया। तो लूप का काम क्या है कि उसके अंदर में जो भी कोड्स है उसको रन करना मल्टीपल टाइम्स, कितना बार, जो यहां पे डिफाइन किया हुआ है। लेकिन ओके में कि हर बार एक ही नाम का फाइल क्रिएट ना करे, हर बार नाम अलग अलग चेंज होते रहे। तो यहां पे हाँ हमने जो काउंटर आई था उस आई को यहां बोला कि भाई तुम सीरियल नंबर देते रहो मुझे, क्लियर है? ओके बात है कि मुझे शीट को ऐड करना, कि शीट के अंदर, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ शीट है ऐड करना। तो शीट्स ऐड करने का कोड तुम्हें पता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे हम लिख देंगे शीट्स डॉट ऐड, और यहां पे हम दे देंगे 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा काउंट, तो काउंट हम दे देंगे 31। प्रॉब्लम है कि हर महीने तो 31 नहीं होता है ना, फरवरी में तो 28 दिन होता है, तो करेक्ट कैसे पता चलेगा कि 28 दिन है? तो एक्सेल में कैसे पता चलेगा, चलिए इस चीज को जानते हैं। तो एक्सेल में हमारे पास एक फॉर्मूला है, मतलब एक मान लीजिए कि मैंने मंथ 1 दे दिया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है डेट का, डेट हमने यहां पे ईयर 2019 मंथ ए दे दिया और ए दे दिया, तो कंबाइन होके एक डेट बन जाता है, जो भी महीना दोगे उस महीने की फर्स्ट डेट बन जाती है, समझे? ओके हम ओके यहां भी कर सकते हैं एक वेरिएबल लेके कि डी इक्वल टू हमने दिया 1 डैश, और हमने यहां पे हमने कर दिया आई, फिर &डैश, -2019 या जो भी ईयर हो, ये क्या बन जाएगा?
समझे कि नहीं सर? या वन डैश आई बोले तो फिर ये आई विल बी मंथ मैं बताता एंड हूं देन क्या है। आपका आई इक्वल टू वन है ना, ये जाएगा या वन डैश टू एंड 2019। 2019 पहला बार बनेगा, दूसरा बार में आई क्या होगा? टू होगा, तो ये आपका हो वन जाएगा। डैश टू, तीसरा बार में थ्री होगा तो वन डैश थ्री। हर बार ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ओके, लेकिन इससे तो सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि मुझे इसकी तो लास्ट डेट चाहिए ना। क्या सर? तो हमारे पास ईओ मंथ का फॉर्मूला है जो कि लगाने पे लास्ट डेट दिखा देता है, किसी भी डेट की लास्ट डेट। और एक डे का फॉर्मूला है जो कि इसमें से सिर्फ 28 को अलग कर लेगा। तो मुझे यही 28 चाहिए, बट अब ईवीएम में कैसे अप्लाई करें? डे का फॉर्मूला सपोर्ट करता है बट ईओ मंथ का नहीं करता है। अब कौन सा फॉर्मूला सपोर्ट करता है, कौन सा फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है, कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया लास्ट डे इक्वल टू, हमने यहां पे दिया फॉर्मूला डे का, डे लगाया तो ऑटोमेटिकली डेट आ गया ना, सपोर्ट करता है। बट मैं अगर इसके अंदर ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाया और ब्रैकेट ओपन किया तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला को सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं करता कर है। जो फॉर्मूला वीवीए एक्सेल की फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट ना कर रहा हो उसको लगाने का तरीका है कि आप यहां पे दे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और फिर हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया और इसमें हम डेट देंगे डी एंड कॉमा जीरो। तो ईओ मंथ क्या करेगा? एंड ऑफ द मंथ देगा इस डेट, जो डेट हमने यहां बना है। और डे क्या करेगा? उसमें से डे को अलग कर लेगा। लास्ट डे आ गया तो मैं अब यहां पर हम एलडी कर देंगे तो डेट के हिसाब से सीट ऐड कर देगा। ओके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी पहले से तो सीट होंगे इसमें क्या? तो मैं दूंगा एलडी माइनस सीट्स डॉट काउंट। सीट डॉट काउंट क्या करता है? उस फाइल की सीट्स की काउंट दिखाता है कि पहले से कितना है, उतने सीट को माइनस कर देगा। क्लियर है? कुछ कुछ या देखो मैं इसको, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप रन करता हूं, ठीक है ना? आप देखिएगा, स्टेप इनको लिया हमने, आपका चला, चलने के बाद क्या हुआ? आई इक्वल टू वन हो गया, इसने बक्सी डॉट एड और यहां पे देखिए वन दे दिया, तो वन डॉट एक्सलेस नाम का फाइल इसने क्रिएट कर दिया। कहां पे क्रिएट किया? तो आपके 2019 में आ गया ना सर। या ओके। उसके बाद फिर हमने इसमें क्या हुआ, डी डी खाली है तो वन डैश आई कंबाइन हुआ क्योंकि आई यहां पे क्या है, वन है। अब ये कंबाइन हुआ तो कंबाइन होते क्या हो गया कि ये डी पे क्या आ गया, वन डैश आ गया 2019। या अब मैं स्टेप इन्फो यहां पे किया तो अब देखिए एलडी पे कितना आ गया, 31 आ गया। या क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसको क्या मिला, डी डी ने क्या दिया, वन डैश 2019, और ईओ मंथ ने इस करेक्ट 31 जनवरी का डेट दिया और डे ने उसने सिर्फ 31 पे 31 को पिक कर लिया और किसको दे दिया, एलडी को। और एलडी या है जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड करते हैं, ऐसे में कुछ भी स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आप देखिए करेक्ट एलडी माइनस सीट डॉट काउंट जो कि 3 है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक फाइल में 3 सीट होते हैं, लेकिन किसी हाँ वन भी होते हैं, किसी किसी में 2 भी होते हैं, यूजर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग चेंज कर देते हैं। करेक्ट सो करेक्ट 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 हमने सीट काउंट -1 कर दिया। अब यहां पे हमने स्टेप इन्फो कर रहा हूं तो एक उतने सीट्स ऐड कर दे रहा है, कैसे दिखा यहां इसने 28 या पे? हां दिखा हमने, और उनका नेम भी बाय डिफॉल्ट यस इस ऑर्डर में आ गया होगा। तो आने नेम इसलिए सीट 1 2 3 4 5 कर दिया है, नेम पे बाद में बात करते हैं, ठीक है? अब फाइल को इस क्लोज कर देंगे, ट्रू करके क्लोज कर देंगे। यहां पे देखिए
नेक्स्ट है क्लोज फाइल को क्लोज कर दिया, मतलब कि आप आगे देखेंगे आपकी फाइल सीट वन को अगर होगा तो इसमें 31 सीट होंगे। फिर नेक्स्ट ने चेक किया कि आई इक्वल टू वन है, लेकिन चलना कहां तक है, 12 तक, 12 तक, या तो स्टेप इन्फो में गया। फिर आई ने अपना रिजल्ट चेंज कर लिया, क्या चेंज कर लिया, वैल्यू 2 हो गई, एक इंक्रीज हो गया, दूसरा बार चल रहा है। अब क्या होगा, दूसरा नाम का फाइल क्रिएट होगा, या तो दो नाम का फाइल, नंबर टू नाम का फाइल यहां पे क्रिएट हो गया। यस, और नंबर टू नाम का फाइल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे जो होगा वो वन डैश की जगह पे वन वन डैश टू हो जाएगा, या फाली डेट बन जाएगी ना। हाँ जी, फर्स्ट फेब हो जाएगा, फर्स्ट फरवरी आ गया। यस, अब फर्स्ट फरवरी के अब ईओ मंथ क्या करेगा, इसका लास्ट डेट निकाल के मुझे एलडी पे क्या दे दिया, देखिए यहाँ पे गलती होगी सर, एलडी पे इसने 2 दे दिया, इसने एलडी पे 31 ही दिया है, मतलब बात है कि इसको ये मंथ नहीं समझ रहा है, इसको क्या समझ रहा है पता है, इसको मंथ समझ रहा है। चलिए अब इसको मैं एक बार इसको सही करता हूँ, तो स्टेप इनपो से ये भी पता चल जाता है। तो मैं मैं आई यहाँ कंसिडर किया, यहाँ कर देते हैं, सर या डैश वन, या ठीक है ना, दो डैश हो गए ना, एक डैश हटाना पड़ेगा आपको। हाँ, पीछे का डैश हटाना पड़ेगा, आगे डैश रहेगा। अब यहाँ पे स्टेप इनपो करता हूँ, यहाँ देखिए 2 आ गया, एक कमा हुआ मंथ पहले आ गया। यस, हाँ था, आ गया 28, करेक्ट। वो बेसिकली हमारा सिस्टम MMDDYY को रीड करता है, VVA जो है डिफॉल्ट MMDDYY को रीड करता है, ठीक है। अब उतने ही 28 सीट ही इसमें ऐड हो गए। यस, हो गया। तो ये जो माइक्रो एक साथ जब इसको स्टॉप करता हूं, एक साथ जब माइक्रो रन होगा तो ये क्या करेगा, एक से लेकर 12 फाइलें क्रिएट करेगा आपके सिस्टम में, और हर फाइल के अंदर एक से लेके उसी के मंथ के अकॉर्डिंग सीट को इंसर्ट कर देगा, जो कि हमारा वर्क था। तो नबी हुसैन जी, हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, समझे जी सर, हमारा प्रोजेक्ट ये था कि हमारे पास 365 शीट हमें चाहिए। अच्छा, मुझे पूरे साल का डेटा डाउनलोड करना है लेकिन डे वाइज। जी सर, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप एक फोल्डर दिखा देंगे तो 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग फाइल ले लेगा, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग वो सीट ले पिक कर लेगा और फाइलों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, या फिर आगे हम करना सीखेंगे मैक्रो के जरिए। तो हमें क्या करने थे, हमें 12 फाइल बनाने थे और हर फाइल का नाम नंबरिंग के हिसाब से या फिर जैंक्शन के हिसाब से रखना था 12 तक। जी सर, पहले वाले फाइल 31 सीट, क्योंकि 31 महीने के डेट होते हैं, 31 दिन होते हैं महीने, जनवरी महीने में, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शीट हमें इंसर्ट करने थे। जी जी, ये शीट हमने इंसर्ट कर ली है और आप देखिए हमने मैक्रो बनाया। तो आप बताइए इस मैक्रो में, अब देखिए सीट क्रिएट, फाइल को क्रिएट करने का एक कोड होता है फाइल डॉट एड डॉट सेव एज, और सेव एज का पाथ दे दीजिए, और सीट क्रिएट करने का सीट डॉट एड, कहां ऐड करना है, किसके आफ्टर बिफोर या कितना ऐड करना है, और वर्कबुक को, क्योंकि जब 12 बुक खुला ना रह जाए इसलिए हमने क्लोज कर दिया। तो इसमें जो आप देख रहे होंगे फोर एक क्या लूप है, क्या होगा कि अगर हम ऐसा ना करेंगे तो हमें इस कोड को 12 बार रन करना पड़ेगा, और हर महीने की अलग अलग बनानी पड़ेगी, हर महीने का अलग अलग, क्योंकि डायनेमिक करने के लिए हमने लूप का इस्तेमाल किया और ये सारी कैलकुलेशंस की है ताकि डायनेमिक हो जाए, समझे। अब यहाँ पे जी सर आता है कि सीट का नाम जो है 1 2 3 4 5 होना चाहिए था, लेकिन सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 ऐसे, तो यहाँ पे हम लूप देंगे जी। और आई यहाँ पे जे होगा फिर, ठीक है, क्योंकि आई ऊपर यूज है,
जे इक्वल टू चले 1 2 LD, नंबर ऑफ डे है। यहां पे लिखेंगे सीट्स और शीट के अंदर में जे डॉट नेम इक्वल टू। तो हमने आपको बताया था सीट को हम तीन तरह से कॉल करते हैं, प्रॉपर्टी नेम, कैप्शन नेम या फिर उसका सीक्वेंस नंबर। यहां पे हमने सीक्वेंस नंबर यूज किया है, जैसे आई 1 2 3 4 5 बोला ना, ऐसे जे भी आपका 1 2 3 4 5 होगा। कोड को रन करने पे क्या होगा कि नंबर ऑफ शीट्स का नाम ही चेंज कर लेगा। समझ में आया? जी सर। राहुल जी समझ में आया आपको? राहुल जी। जी सर। कोई डाउट इसमें? तो इसमें आप जो है ईयर अपना चेंज कीजिए और इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कीजिए, सीट का नाम में कुछ फेरबदल कीजिए और आप अपने सिस्टम पे इसको अप्लाई कीजिए। इसकी जो कोडिंग है, एक कोडिंग में आपको भेज दे रहा हूं मेल के ऊपर। अनिल यादव जी आपका, हाँ अनिल यादव, ये आपका मेल आईडी है अनिल यादव 229। जी सर। जी सर। और आपका है अभी नबी, छोट नबी, अभी नहीं नबी है, नबी हुसैन, नबी 2494। ये दोनों को मैं कोड मेल कर देता हूँ, इस कोड को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा, बस अपना पाथ चेंज कर लीजिएगा, जो पाथ है ना हमारा ड्राइव। हाँ जी, हाँ वो तो सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा, वो अपने सिस्टम के हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है? ओके। और